प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः। संस्कृताय संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। गीता की एक कक्षा है, गीता का दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परमात्मा में उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है, जिसके सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रसन्नता रहेगी तो दुखों की हानि होगी, और ऐसे दुख की हानि होगी तो व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होगा, और प्रसन्न चित्त व्यक्ति का मन परमात्मा में शीघ्र ही स्थिर होगा। यह बात हम लोग कल पढ़ रहे थे। आज उसके आगे ये तो हुआ कि जो प्रसन्न चित्त वाला है उसकी बुद्धि परमात्मा में शीघ्र स्थिर होगी, ये हम लोग कल पढ़ रहे थे। यदि वो प्रसन्न चित्त नहीं है, अयुक्त मन वाला है, न जीते हुए अजितेंद्रिय है, अजितेंद्रिय है मानो जिसकी इंद्रियां और जिसके मन अपने वश में नहीं है, उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिः न चा भावयतः अशांतस्य कुतः सुखम् अशांतस्य कुतः सुखम् सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थी हैं। आप उसी तरह से इसको पढ़िए। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई कृष्णा भैया कि अशांतस्य, जो व्यक्ति अशांत है उसको सुखम कुतः, उसको भला सुख कहाँ। अशांत व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। हाँ, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम, ऐसे अशांतस्य कुतः सुखम। अब इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि पहले तो आपकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होनी चाहिए, और बुद्धि होगी तो परमात्मा के प्रति आपकी भावना बनेगी, और भावना से आपकी शांति आएगी, और शांति से आपको सुख आएगा ना। शांति अलग है, सुख अलग है गुरु। शांत मन को, प्रसन्न चित्त वाले को ही सुख का अनुभव होता है। अशांत मन में, अशांत चित्त में दुख का अनुभव होता है, और शांत मन में, प्रसन्न चित्त मन में सुख का अनुभव करता है। सुख और दुख अनुभव गम्य है, अनुभूत, इसका अनुभव होता है। सुख कहीं से आता नहीं है और दुख भी कहीं से आता नहीं है। ये सुख दुख परिस्थितियां हैं, ये सुख और दुख अनुभव का विषय है। भीतर से इसको क्या बोलें, फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स हैं। बोलो तो शांत मन जो होगा, जब आप प्रसन्न चित्त होंगे तो कैसी फीलिंग होगी, सुख की फीलिंग होगी। अभी आपको कोई गाली दे दे तो आपको दुख होगा? नहीं, दुख नहीं होगा। पहले मन अशांत होगा। अशांत मन कब होगा? जब आपकी भावना बिगड़ेगी। भावना कब बिगड़ेगी? जब आपकी बुद्धि बिगड़ेगी। तो ये सिस्टम है 1 2 3 और 4। ये अच्छा होता बहुत जल्दी जल्दी है ये, इसलिए आपको लगता है कि नहीं, कब बुद्धि बिगड़ी, कब भावना बिगड़ी, और कब जो है कब आपकी शांति खत्म हुई, और कब, ये बहुत क्षणिक चीज़ें हैं, पर सिस्टम यही है। यदि आपकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होगी तो आपकी भावना भी परमात्ममय होगी, तो आपका मन परमात्मा चिंतन करने के कारण शांत होगा, और शांति के कारण आपको सुख मिलेगा। यही चारों लाइनों में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य अयुक्तस्य पुरुषस्य अयुक्तस्य। अयुक्त क्या है? युक्त माने जुड़ना, और अयुक्त माने ना जुड़ना। जिसकी बुद्धि, जिस पुरुष की बुद्धि परमात्मा से युक्त नहीं है वो है अयुक्त। बुद्धि में विसर्ग है, विसर्ग को रेप हुआ। तो यहां से आप इसको कर लो, अयुक्तस्य पुरुषस्य बुद्धि नास्ति। अब बुद्धि नहीं है का क्या भाव है? अरे भाई, ऊपर फिर से पढ़ लेना, ऊपर वाला श्लोक पढ़िए कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु। ध्यान से सुनना, बुद्धि बुद्धि पर्यवतिष्ठते, यही चौथी लाइन पकड़ लेना, बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जो बुद्धि जिस स्थिर साधक की, जिस समाधिस्थ की बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, वही बुद्धि पर्यवतिष्ठते। 65वें श्लोक में भगवान किसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, तो युक्तस्य पुरुषस्य बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जिसकी बुद्धि परमात्मा से युक्त है, परमात्ममय है, परमात्मा का चिंतन करती है। और जिसकी बुद्धि अयुक्त है, तो अयुक्तस्य पुरुषस्य बुद्धि न पर्यवतिष्ठते कहिए, चाहे नास्ति कहिए। ऊपर से पर्यवतिष्ठते कहा ना, 65वें श्लोक में भगवान ने कहा बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और बुद्धि ना पर्यवतिष्ठते, तो उसी को ना पर्यवतिष्ठते को नास्तिक कह दिया। बुद्धि तो है ही, परमात्ममय बुद्धि नहीं। बस वह बुद्धि घर में है, संसार में है, विषयों में है, भोगों में है, धन में है, तन में है, स्त्री में है, पुरुष में है। तो भगवान ने कहा उस बुद्धि को बुद्धि होते हुए भी वो नास्ति। बुद्धि वही है, बुद्धि वही पर्यवतिष्ठते जो बुद्धि मनन करे, चिंतन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। परमात्मा में है तो बुद्धि अस्ति, और परमात्मा में उसका मन नहीं लग रहा है, उसका मन धन कमाने में लग रहा है या कि भोगों में लग रहा है। अब बड़ी बात ये होती है, जैसे आप केवल अभिधा से अर्थ पकड़ेंगे तो आप हर जगह हमारी जीभ पकड़ेंगे कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, आपने ऐसे क्यों बोल दिया। जैसे हम कहें कि भाई बुद्धि धन में है, तो आप कहेंगे तो क्या आपको धन नहीं चाहिए। देखिए, हम तो भगवान कृष्ण थोड़ी ना है कि हम भगवान कृष्ण हैं तो हम जो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं हम वो बता रहे हैं। अब वो दूसरी बात है, हम तो पार्थो नहीं हैं, हम लोग तो अर्जुन से भी गैर गुजरे हैं। अर्जुन वह तो बड़ा थोड़ा हमसे आपसे ज़्यादा समझदार था, बलवान थे, ताकतवर थे, बुद्धिमान थे। बात क्या है इसको समझने के लिए भी हम तो अब यही कहेंगे कि हम लोगों को इन बातों को समझने के लिए भी बुद्धि नास्ति, और इसको समझना जो भगवान कृष्ण करें इसको समझने के लिए भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी बुद्धि भी धन में है, हमारी बुद्धि भी स्त्री में है, हमारी बुद्धि भी जगत में है, संसार में है, घर में है, रुपया में है, पैसा में। आप समझ गए, तो चाहे लोकेशना हो, वित्तेषणा हो, पुत्रेषणा हो, सब ऐसा है। भाई हम तो साधु संन्यासी मुनि है ही नहीं, पर भगवान के कहने का मतलब यही है कि हाँ, जिनका मन अयुक्त है, अयुक्तस्य कौन, पुरुषस्य, जिनका मन, जिनकी इंद्रियां, जो जितेंद्री नहीं है, जो जितेंद्री नहीं है, जिनका मन और इंद्रियां जुड़ी नहीं है परमात्मा से, वो सब अयुक्तस्य पुरुषस्य हैं। तो अयुक्तस्य पुरुषस्य बुद्धि नास्ति, और जिनकी बुद्धि नहीं, आप जिसमें बुद्धि लगाएंगे उसी के प्रति आपकी भावना बनेगी। बोलो गुरुजी, बुद्धि से ही हम, जैसे मान लीजिए किसी के प्रति आप कहते हैं ना कि हमें भगवान राम पसंद है, आप तो उनके प्रति आपकी बुद्धि ने सोचा ना कि कृष्ण पसंद है कि इसीलिए हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं। बात वही राम है, वही कृष्ण है, कुछ अंतर थोड़ी ना है। बस त्रेता में वो जो राम थे वही द्वापर में कृष्ण है। पर भाई अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हमारी भावनाएं बनती हैं, बुद्धि के आधार पर हमारी भावनाएं बनती हैं। तो बुद्धि यदि परमात्ममय है तो भावना भी परमात्ममय होगी। जब बुद्धि नहीं है तो भावना का भी न चा अयुक्तस्य भावना, न चा अयुक्तस्य, यहाँ भी है अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति और अयुक्तस्य भावना ना, अयुक्तस्य भावना ना। चा धन अयुक्तस्य दीर्घ संधि हो गई, चा माने और, तो देखना अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, चा माने और, अयुक्तस्य भावना नास्ति। बुद्धि नहीं होगी तो भावना नहीं जुड़ेगी। देखो कितनी सिंपल सी बात करें, ये देखना बुद्धि, फिर भावना, फिर शांति, फिर सुख। तो अब आपने देखा पहले बुद्धि, फिर भावना, और फिर ना चा अभावयतः शांति, अभावयतः जो अभावग्रस्त है, माने जो इंद्रियां से मन से अलग है, वही अयुक्तस्य की बात कर रहे हैं, अभावयतः। हाँ, तो जो अभाव है, भावयतः है मतलब वो भावना से युक्त है, भावयतः माने भाव पूर्ण है जो, और अभावयतः जो भावना पूर्ण नहीं है या भावना विहीन है या भावना शून्य है ना। तो भावना शून्य व्यक्ति की को शांति ना, शांति ना। और अशांतस्य जिसके पास शांति नहीं है उसको सुखम कुतः, उसको भला सुख कहाँ है। श्लोक समझ में आया, क्रम से समझ में आया। तो इन्होंने यही कहा कि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य पुरुषस्य, हाँ जिसकी मन और इंद्रियां जुड़ी नहीं है परमात्मा से, समाधि में युक्त नहीं है, स्थिर बुद्धि जिसकी नहीं है, वो सब अयुक्त हैं ना। ऐसी इसके पहले भी हम लोग एक बार निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि पढ़े थे। तो वो व्यवसायत्मिका बुद्धि होता क्या है, हम लोगों की जब व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं तो हम लोग कभी कभी चाहते हैं कि पैसा मिले, कभी चाहते हैं कि नौकरी मिले, कभी चाहते हैं कि शादी हो, बीवी मिले, कभी चाहते हैं कि बच्चा मिले, कभी चाहते हैं कि घर मिले, कभी चाहते हैं कि गाड़ी मिले। तो आप बताइए, एक ही मन का, एक ही बुद्धि। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि बुद्धि ही नास्ति, बुद्धि नास्ति माने एक पर बुद्धि स्थिर नहीं। हम निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमको चाहिए क्या। और जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जिन संतों मुनियों की, जिन भक्तों की, उनका एकमात्र डिसीजन होता है परमात्मा चाहिए बस। यानी निश्चयात्मिका बुद्धि होती, परमात्मा चिंतन चाहिए, परमात्मा चाहिए, ईश्वर चाहिए, ईश्वर का ही चिंतन चाहिए, समाधि चाहिए। बोलो गुरु जी। और संसार के व्यक्ति को आप पूछे कि तुमको क्या चाहिए, हो सकता है जब हम बड़े हो रहे हों तो उस समय, भाई आप 20 साल 22 साल के हैं तो उस समय बहुत होता है कैरियर चाहिए आपको, नौकरी लग गई तो फिर आप नौकरी लगने वाले से पूछो आप क्या चाहिए, बोले कि यार शादी चाहिए। शादी हो गई फिर उससे साल भर बाद पूछो कि भाई आप क्या चाहिए, बोले लड़का चाहिए। फिर उससे पूछो क्या चाहिए तो बोलेगा कार चाहिए। कार मिल के बोले गाड़ी चाहिए। बोलो हाँ या ना, सब चाहिए ही। अर्थात एक जगह पर बुद्धि स्थिर नहीं है। पर आप किसी जंगल में रहने वाले ऋषि संत साधु महात्मा से पूछिए सच में तुमको क्या चाहिए, तो उससे आप 2000 में पूछेंगे, सन 2000 में तो भी कहेगा परमात्मा चाहिए, 2022 में पूछेंगे तो भी कहेगा परमात्मा चाहिए, 2050 में पूछोगे तो भी कहेगा कि परमात्मा ही चाहिए। समझ गए? वो है निश्चयात्मिका बुद्धि, वो है व्यवसायत्मिका बुद्धि। और हम लोगों का तो का सवेरे कुछ और चाहिए, शाम को कुछ और चाहिए। समझ में गए? तो यही है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। अच्छा नहीं है। और अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में कोई भावना भी नहीं होती। क्यों? चूंकि हमारी भावनाएं संसार से जुड़ी होती हैं। हमारी जो भावनाएं हैं, बुद्धि कहाँ जुड़ी है? जहाँ बुद्धि जुड़ी है वहाँ भावना जुड़ी है। तो बुद्धि जुड़ी है हमारी नौकरी से, बुद्धि जुड़ी है पत्नी से, बुद्धि जुड़ी है पुत्र से, बुद्धि जुड़ी है रुपया से, बुद्धि जुड़ी है संसार से, बुद्धि जुड़ी है कि यश से, प्रतिष्ठा से। तो जहाँ बुद्धि जुड़ी है वहीं आपकी भावना है। तो बोले भावना भी नहीं होती। और भावनाहीन च अभावयता, अभावयता लिखा, च अभावयता, च अयुक्तस्य, च धन अयुक्तस्य, च धन अभावयता। जहाँ क्या चाहिए, भावना, भावना से युक्त भावयता और च अभावयता, जो भावना विहीन है, भावनाहीन जो मनुष्य है उसको शांति ना, उसको शांति। और शांति विहीन व्यक्ति को, अशांत व्यक्ति को सुखम ना। बोलो हाँ या ना। तब ये श्लोक कहा है कि भगवान ने पीछे के जो श्लोक है ना वो उनसे ही जुड़ा हुआ है। देखिए भगवान ये पहले कहे कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इस श्लोक में 64वें में बताया कि प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रसादम अधिगच्छति ना। अच्छा, फिर भगवान से ये पूछा गया कि भाई प्रसाद मिल जाएगा, प्रसन्नता मिल जाएगी, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, तब क्या होगा? तो 65वें में भगवान ने कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यही समझना, बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है जो प्रसन्न चित्त वाले होते हैं। तो सवाल ये हुआ ना कि जिनकी बुद्धि प्रसन्न चित्त नहीं है उनका क्या होगा? तो भगवान ने उत्तर दिया कि जब अशांत मन होगा तो सुख ही नहीं मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम। यानी पिछले श्लोकों में जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है उसका, उसकी चर्चा 65वें में, और 66वें में जिसके परमात्मा में बुद्धि स्थिर नहीं है उसका क्या? तो वो दुखी रहेगा, वो हमेशा रोता रहेगा। आप खुद सोचिए, ये भाई आप खुद सोचिए, जब आपका मन अशांत रहता है तो आपको थोड़ी भी सुख अच्छी फीलिंग्स आती है? अशांत मन में, क्षुब्ध मन में, बोलिए दुखी मन में थोड़ी भी फीलिंग्स, सुख की फीलिंग्स आप कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। तो भगवान ने कहा कि ये फील करने के लिए, सुख फील करने के लिए शांत मन चाहिए, अशांत मन नहीं। इसीलिए कहा अशांतस्य कुतः सुखम। शांति प्राप्त करने के लिए अच्छी भावना चाहिए, अच्छी भावना, परमात्ममय भावना चाहिए, शुद्ध सात्विक पवित्र भावना चाहिए। आप ये सोचें कि ससुरा पड़ोसिया साला मर जाए, एकर आँखी फूट जाए, एकर सारे के लड़का मर जाए, तो जब आपकी भावना ठीक नहीं तो आपको लगता है कि आपका मन अपनी ईर्ष्या से, अपनी क्रोध से, आपकी जलन, आपके अंदर की ईर्ष्या आपको अशांत रखेगी हमेशा। क्या रखेगी? और अशांति कभी सुख का अनुभव नहीं होने देगी भैया। तो शांति प्राप्त करने के लिए आप अच्छी भावना करें। हमारी संस्कृति कहती है कि प्रत्येक शरीर में, सबके अंतःकरण में परमात्मा का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो हम जिसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, जिस पड़ोसी के बारे में कृष्णा भैया, उसमें भी तो परमात्मा का निवास है। और यदि उसमें भी परमात्मा का निवास है, हर जगह हर कण में परमात्मा का निवास है, तो जहाँ जहाँ आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ द्वेष कर रहे हैं, जिसको आप मना रहे हैं कि सारे की आँखें फूट जाए, कर गोट टूट जाए, वह तो परमात्मा है। तो आप परमात्मा में आपकी बुद्धि परिवर्तिष्ठित होती तो वह भी आपको परमात्ममय दिखता। तुलसीदास को दिखा कि सिय राममय सब जग जानी, अकरो प्रणाम जोर जुग पानी। और वहाँ एक चर्चा और कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो ये सारी चीजें परमात्मय होंगी तो आपका पड़ोसी भी परमात्मा है। हमारा वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि, वो तुम भी हो, परमात्मा तुम भी हो, ब्रह्म तुम में भी है, और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि। आप समझ पा रहे हैं? तो आप जिस किसी से भी ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, वे सब परमात्ममय हैं। तो आपकी बुद्धि परमात्मा में कब स्थिर होगी? जब आपकी भावना शुद्ध सात्विक और पवित्र होगी। इसीलिए भगवान ने भावना की बात की। और हर भावना, जैसे मान लो आप किसी के बारे में चाहे अच्छा सोचें और चाहे बुरा सोचें, ये सोचने का काम बुद्धि का है। इसीलिए शुरुआत बुद्धि से, शुरुआत, जैसे किसी के बारे में आप अच्छा सोचने लगे, सोचिए थोड़ी देर के लिए किसी के बारे में अच्छा सोचिए, सोच लीजिए 1 मिनट और सोच लीजिए, और सोच लो, अच्छा सोच लो, सोच लिए। तो अपनी पत्नी के बारे में सोचोगे और क्या सोचोगे? अच्छा है ये नहीं तो ठीक है। जिस किसी के बारे में आप अच्छा सोचोगे तो देखना उसके बारे में तुम्हारी फट से ये अच्छी होने लगेगी। करके देख लेना, प्रैक्टिकल है। कोई गीता का ग्रंथ, कोई हमारे पढ़ाने से थोड़ी मानना है, हमारे पढ़ाने से ना मानो गुरुजी। आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा ठीक करके देखो किसी के प्रति, अपने मम्मी के प्रति, पापा के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, बच्चों के प्रति, गुरु के प्रति, किसी के प्रति करके देख लो। और जिसकी बुद्धि ठीक होने लगेगी ना, उसमें सबसे पहले असर यहाँ पड़ेगा ना। और यदि ये ठीक होने लगा ना तो आप ये बहुत अच्छा फील करने लगोगे। मान लीजिए आपकी बुद्धि है कि भाई यार काश कहीं हमारे अमिताभ बच्चन आ जाता। आपने बुद्धि किधर लगाई? अमिताभ बच्चन में। तो अमिताभ बच्चन के प्रति आपकी ये क्या होगी भावना? क्या होगी? अच्छी होगी। और यदि मान लो वो आ ही जाए आपके घरे, मान लो, मानने में क्या जाता है, तो आपको क्या मिलेगा? और उसके आने से यह आपकी भावना, आपकी शांति को, और यह शांति आपकी अच्छी फीलिंग को, अच्छी फीलिंग ही सुख है, हैप्पीनेस जिसको आप कहते हैं, गुड फीलिंग्स। तो यही सिस्टम है गुरु। यदि ये बिगड़ गया, भगवान कहते हैं ये बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ गई तो भावना बिगड़ जाएगी, भावना बिगड़ गई तो आपकी शांति बिगड़ जाएगी, और शांति बिगड़ गई तो आपका सुख बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सबको चाहिए पर इसका बेस शांति है, इसका बेस आधार। ये कहाँ टिकेगा? सुख टिकेगा शांति में, शांति टिकेगी भावना में, भावना टिकेगी बुद्धि में। बेस सही रखना है। कि आप किसी के प्रति आप बुद्धि बिगाड़ के देखो थोड़ी देर के लिए, दोनों प्रैक्टिकल कर लो ना। पढ़ते पढ़ते अर्थ तो आप समझ ही गए, अर्थ समझना कठिन नहीं है। किसी के प्रति बुद्धि बिगाड़ के देखो, जो तुम्हारा कभी नसाया हो, बिगाड़ा हो, थोड़ी देर के लिए देख लो तो आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। पड़ोसी को याद करो ससुरा, जो तुमको गरियाया रहा हो, जो तुम्हारा डांड मेढ़ छीन लिया हो, जो तुम्हारा खेती पाती में कुछ जमीन हड़प लिया हो, जो तुमको कभी गाली गलौज किया हो, जो तुमको कभी मारा पीटा हो, गरियाया हो। थोड़ी सी बुद्धि बिगाड़ के देखो। कृष्णा बुद्धि बिगाड़ो, बिगाड़े। बुद्धि बिगाड़ने से आपकी इस पे असर पड़ेगा कि साला मर जाता है, इसकी ऐसी तैसी, साले को कहीं पाएंगे पटक पटक के मारेंगे, साले को चढ़ बैठेंगे, मौका मिलेगा तो हम बता दें। देखिए, जिसके प्रति आपने बुद्धि बिगाड़ी उसके प्रति आपका ये फट से बिगड़ती है, बोलो हाँ। तो फिर जब आप मौका ढूंढने लगोगे ना, तो शांत मन से कोई मौका थोड़ी मिलता है। हमेशा मन आपका चंचल होगा, अशांत होगा, दुखी होगा। वो तो बाद में दुखी होगा, वो तो बाद में दुखी होगा, आपका ये वेश बिगड़ जाएगा। और अशांत वेश में, अशांत वेश में दुख टिकेगा, कष्ट टिकेगा। दुख अशांति में विराजता है, समझ गए? दुख अशांति में विराजता है। जहाँ अशांत होगा माहौल, जहाँ पर ठीक नहीं होगा, वहाँ कष्ट होगा, वहाँ दुख होगा, वहाँ पीड़ा होगी, वहाँ बोलो हाँ या ना। और जहाँ शांति होगी, इसीलिए कहा अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य पुरुषस्य सुखम कुतः। अशांत पुरुष को सुख कहाँ, भावनाहीन पुरुष को शांति कहाँ। और अयुक्तस्य भावना, जिस जो अयुक्त पुरुष है, जो परमात्मा में नहीं। अच्छा, मान लीजिए आप सब में परमात्मा ही देखते हैं, आपकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, समाधि में स्थिर है। परमात्मा में स्थिरता का भाव क्या है? परमात्मा में स्थिरता का भाव है कि जितना आप अपनी पत्नी में प्रेममय भाव देखते हैं, उतना पड़ोसी में भी देखें। पड़ोसी की पत्नी में नहीं, मुनिदेव तुम्हारी नज़र बड़ा गड़बड़ा जाती है। हाँ, पड़ोसी को भी आप परमात्मा में देखेंगे तो कभी उसको गरियाएंगे नहीं, कभी उसके प्रति आपके गलत भाव नहीं आएंगे, ईर्ष्या नहीं आएगी, द्वेष नहीं आएगा। उसको लगेगा भगवान, उसको वो भी भगवान है आपके लिए। समझ में आ रही बात? तब भगवान ने कहा कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, नास्ति बुद्धिरयुक्त न चायुक्तस्य भावना, न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांतिः, न चा भावयतः शांति। अशांतस्य कुतः सुखम्, अशांतस्य कुतः, अशांतस्य कुतः सुखम्। हाँ, तो ये लाइन आप घर लेके चले जाना भैया। आज की इस पूरी क्लास में यदि इतना भी पकड़ के चले गए कि अशांत व्यक्ति को सुख नहीं होता, तो आप अपने मन को हमेशा शांत करना चाहेंगे। और यदि शांत करना चाहेंगे तो भावना अच्छी रखना पड़ेगा। और भावना अच्छी रखने के लिए आपको अपनी बुद्धि स्थिर रखनी पड़ेगी। सीढ़ी तो यही है, पहले बुद्धि से चढ़ के उतरो भावना में, भावना से चल के शांति में, और शांति से चल के सुख में। और शांति नहीं होगी तो लिखा अशांतस्य कुतः सुखम। और अच्छी भाव अभावयतः, भावनाहीन पुरुष को, भावना विहीन पुरुष को। और आप देखिए जो बड़े भावुक होते हैं, आप किसी ऋषि की, किसी मुनि की, अपने फूफा को याद करिए, मामा को याद करिए, अपनी मौसी को याद करिए, नानी को याद करिए। जब आप नाना नानी के घर गए होंगे तो नानी आपको देख करके भावना पूर्ण हो गई होगी। याद करिए, तो जब आप चलने लगे होंगे कि नानी हम चल रहे हैं, तो नानी की आँखों में दो बूंद आंसू आ गए होंगे। इसका मतलब नानी आपकी भावना पूर्ण है। अब जब आपको देखती होगी आपकी नानी, मामी, जो भी आपको प्यार करता होगा, भावपूर्ण व्यक्ति होगा, मैं भाव की बात कर रहा हूँ, तो वो उसको आपको देखते ही उसकी अच्छी भावना होगी, तो उसको शांति मिलेगी। आपको देखने से ही उसको शांति मिलेगी ना, और उस शांति से वो सुख का अनुभव करेगी। वो आपकी माँ हो सकती है, आपके नाना नानी हो सकते हैं, आपके फूफा जीजा हो सकते हैं, जो भी आपको चाहते हैं, जिसकी भावनाएं आपके प्रति ठीक है। और अब मान लो जिसकी प्रति भावना जिसकी ठीक नहीं है, आपका कोई शत्रु कहीं मिल जाए तो साला उसको देखते ही आपके मन से गरियाने का मन करता होगा कि 4 से 10 ठो गाली दे देंगे। हमें ऑनलाइन गाली नहीं दे सकता, दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल जो आप देते हैं वो आप अच्छे से समझते हैं। तो किसी बुरे आदमी को देख करके सबसे पहले आपकी ये गड़बड़ाती है ना, और ये गड़बड़ाएगी तो फिर क्या गड़बड़ाता है, और आपका मन फिर शांत नहीं अशांत हो जाता है। और अशांति से सबसे पहले बुद्धि बिगड़ने से, भावना के बिगड़ने से, शांति के बिगड़ने से आपको ही कष्ट का अनुभव होगा, पीड़ा का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा। सामने वाले को तो बाद में होगा कि नहीं होगा राम जाने, आप उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे नहीं बिगाड़ पाएंगे तो भगवान जाने, पर आप अपना तुरंत बिगाड़ लेंगे। ठीक है मुनिदेव, तो एक बार इस श्लोक को पढ़ना और घर में यही लाइन लेकर के जाना कि भाई हम अपनी बुद्धि ठीक रखेंगे। यदि हम बुद्धि परमात्मा में रखेंगे, ईश्वरमय रखेंगे, जगत में ईश्वर ही देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे तो हर जगह ईश्वर दिखेगा। किसी वृक्ष में भी दिखेगा, किसी पक्षी में भी दिखेगा, पशु में भी दिखेगा, व्यक्ति में भी दिखेगा, पड़ोसी में भी दिखेगा, अगल भी दिखेगा, बगल दिखेगा, ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा, मुझ में दिखेगा, तुझ में दिखेगा, सब जगह दिखेगा। तो आप किसी का अहित, आपकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। तब भगवान ने कहा नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्त तस्य भावना न चा भावयतः शांति न चा भावयतः अशांतस्य कुतः सुखम अशांतस्य कुतः। कभी कभी कुछ कुछ लाइनें अपने घर में लिखने लायक होते हैं, तो ये आपके घर में लिखने लायक श्लोक है। और नहीं श्लोक लिख सकते तो कम से कम ये लाइन लिख करके रखिए जहाँ आपका बेडरूम है, और उस बेडरूम के सामने यही पंक्ति लिख करके रखिए अशांतस्य कुतः सुखम, तो आपका मन अशांत नहीं होने पाएगा। भगवान गीता की पंक्तियां हैं, भगवान की लाइनें हैं, भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं, पार्थ अर्जुन के लिए बोले गए हैं। तो अशांत अर्जुन है, अर्जुन अशांत है मुनिदेव, और अशांत अर्जुन सुख का अनुभव नहीं कर रहा, जबकि सामने भगवान स्वयं खड़े हैं, परमात्मा स्वयं खड़े, परमात्मा स्वयं सारथी हैं, रथ चला रहे हैं। परमात्मा के साथ रहने पर भी उसकी चूंकि ना बुद्धि बिगड़ी है ना, अब बुद्धि बिगड़ने से भावना गड़बड़ा गई है, भावना से शांति का क्षय हुआ है, और इसीलिए वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है, दुखी है, कष्ट में है, पीड़ा में है कि मैं कैसे द्रोण को मारूं, मैं कैसे भीष्म पितामह से लड़ूं, मैं कैसे अपने भाइयों से लड़ूं। तो तब भगवान उन्हीं को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। मित्रों आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।